वही रामपुर में सपा सांसद आजम खान के समधी और उनका बेटा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक से उलझ गए। पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। आरोप है कि दोनों पुलिस पर हमलावर हो गए और इसी के चलते पुलिस ने पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया। पुलिस दोनों को थाने ले गई और रिपोर्ट दर्ज की। करीब 5 घंटे के बाद दोनों को जमानत पर छोड़ दिया गया। पेश है रिपोर्ट। कहां से आए आप? ये कहां से आए? पहले पीछे हटे 2 कदम। कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं निकले। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला रामपुर में। एक वक्त था जब सपा नेता और रामपुर के सांसद आजम खान का भौकाल था। आज भले ही वो अपनी विधायक पत्नी और बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन अभी भी आजम खान के समधी रिजवान मोहम्मद खान और उनका बेटा न सिर्फ लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे, बल्कि टोकने पर रामपुर पुलिस कप्तान से ही भिड़ गए। रोड पर चेकिंग कर रहे एसपी रामपुर पर रौब डालने के लिए उनके बेटे ने तो अपने को अमेरिका पुलिस का अधिकारी तक बता डाला। हालांकि उनकी ये हेकड़ी पुलिस अधीक्षक के सामने बिल्कुल नहीं चली और उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक से उनकी तकरार का नजारा आइए अब आपको दिखाते हैं। इतना समय ज्यादा कर रहे हो मेरा, समझे कि नहीं? इसी रात फिर तू जेल में बैठूंगा। कौन है अभी सरकारी काम में बाधा में जेल में बैठा? अरे सही कि मेरा लड़का पुलिस ऑफिसर है अमेरिका में। अरे यार ऊपर चढ़ गया भैया। तू तो बोला क्या था? एक तो आप लॉ तोड़ रहे हैं, उसका झूठ बोला मेरा लड़का तो अमेरिका पुलिस ऑफिसर। आपके पास क्या नहीं? ये कौन सा आर्गुमेंट है? आपने कहा ये अमेरिका का पुलिस अफसर है, अभी आया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये वीडियो पूरे शहर में तेजी से वायरल हो गया। इसलिए नहीं कि बीच सड़क पर एसपी और दो लोगों के बीच नोकझोंक हो रही थी। चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि जिस शख्स को एसपी कानून व्यवस्था समझा रहे थे वो आजम खान के रिश्तेदार निकले। मेरे पास वीडियो भी है। आपने कहा अमेरिका से है पुलिस अफसर है, अमेरिका से है अभी आया है। कानून को ठेका दिखाना इनकी आदत में है। आप पुलिस अफसर हैं, चालान नहीं जेल भेजूंगा। पुलिस ऑफिसर है, मेरे पास वीडियो में है, मीडिया खड़ी है यहाँ पे। आपने बोला ये अमेरिका के पुलिस ऑफिसर है, आपने कहा कि नहीं? ऐसे समझ लीजिए सफेद टी शर्ट में ये शख्स आजम खान के दामाद और कुर्ते पजामे पहने ये शख्स सपा सांसद आजम खान के समधी। इनोवा कार आई जिसमें चालक और उसके बगल की सीट पे बैठे दोनों व्यक्ति मास्क नहीं पहने थे। पुलिस कर्मियों ने रोका तो उनसे उलझने लगे कि हमें सारी चीज़ों की जानकारी है, वहाँ मास्क कहाँ, तो कहते हैं कि मास्क रखे हैं लगा लेंगे। बाद में उन्होंने इस तरह की भी गलत सूचना दी उसमें से बगल बैठे वाले आदमी ने कि ये भी पुलिस ऑफिसर हैं। जब पूछा गया कहाँ के हैं तो बताया उन्होंने अमेरिका में, तो हुआ कि अमेरिका से आप आए कब? जब ये सारी जानकारी होने लगी तो उन्हें लगा कि झूठ बोलना जो है वो गलत हुआ, तो उनके खिलाफ भी अभियोग दर्ज किया गया है। क्योंकि इसमें सेल्फ डिसिप्लिन्ड होकर के ही लोग चलेंगे तभी सिस्टम चल पाएगा, महामारी से भी हम लड़ पाएंगे और हमारी रोजमर्रा की लाइफ भी चल पाएगी। आप क्यों बोले कि पुलिस ऑफिसर है?
मेरे पास वीडियो भी है, मीडिया खड़ी है यहाँ पर। आपने बोला ये अमेरिका के पुलिस ऑफिसर हैं, बहस नहीं करनी है, जेल भी जा सकते हो, अभी सरकारी काम में बाधा डाल दें। अनलॉक के पहले दिन दोनों इनोवा कार में शहर में घूमने निकले थे। एसपी और एसएसपी भी चौराहे पर ही खड़े थे और दोनों ने आजम खान के रिश्तेदारों को पकड़ लिया। पुलिस ने गाड़ी रोककर मास्क के बारे में सवाल किया तो बताने लगा कि लड़का अमेरिका में पुलिस ऑफिसर है। अमेरिका से आया है, पुलिस ने ट्रेवल्स हिस्ट्री बताने को कहा तो जनाब कुछ बता ही नहीं पाए। पुलिस ने मास्क के बारे में पूछा तो चुप हो गए। पुलिस ने लड़के से अमेरिका की आईडी मांगी तो वो भी नहीं दिखा पाए। सारी अकड़ 5 मिनट में घुटने पर आ गई थी। हाथ जोड़कर पुलिस से गुजारिश करने लगे थे, इस बार छोड़ दीजिए साहब, फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन एसपी छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों को थाने ले गए, पहले चालान काटा, फिर मास्क नहीं पहनने के आरोप में जुर्माना भी लगाया और बाद में सरकार के काम में दखल देने के आरोप में थाना सिविल लाइन में धारा 188, 269, 173 और 353 और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार को सीज कर दिया। बाद में थाने में पिता पुत्र को जमानत मिल गई। इस तरह के मामले में ये तो साफ देखा जा सकता है कि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना को लेकर लोग मनमानी ढंग से अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस तरह की अनुशासनहीनता की बदौलत ही हम कोरोना वायरस से ये जंग जीत पाएंगे या इस तरह से ये जंग जीती जा सकती है। रामपुर से लाइव टुडे के लिए फहीम खान की रिपोर्ट।